guys and welcome to my Dali Panther. So in previous video of Lamayiru to Padum, मैंने आपके साथ शेयर करे थे अपने एक्सपीरियंसेस, हमने कौन से होटल में रुके, कैसा एक्सपीरियंस था, कहाँ कहाँ हमने पेट्रोल करवाया, रिफिल करवाया, क्या चैलेंज हमको फेस हो सकते थे. सो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, क्योंकि जो ये लामायुरु टू पादुम में हमने जो डिस्टेंस कवर कर ऑफ राइडिंग करी है एंड वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी, काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक थी. तो अब मैंने सोचा पूरा आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा और डिफरेंट पासिस भी हमने कवर करे थे टू पादुम वाले ट्रिप में. तो इस वीडियो में आपके साथ वो पासिस शेयर करता हूँ और जो और चैलेंजेस हमको इस रूट में फेस हुए, क्योंकि ये जितना अभी आपने ऑफ रोडिंग देखी है इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी हमारी ये ऑफ रोडिंग. सो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने इस पार्ट से लामायुरु टू पादुम पार्ट सेकेंड वीडियो में ऑफ राइडिंग की तरफ, जहाँ हमको अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला, अमेजिंग राइडिंग, अपने यू नो कैपेबिलिटीज पता लग गई कितना हम कैपेबल हैं ऑफ राइडिंग के करने के लिए, और क्या क्या हम कैसे स्टाइल से चल सकते हैं और कैसे कॉन्कर कर सकते हैं ऐसे टैलेंट्स को. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं पार्ट सेकेंड के. रखी है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, बट इतना ऊपर आने का मज़ा ही कुछ और होता है राइडिंग करते समय. बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स थी, रोड बहुत ही ऑफम है यहाँ पे. सो हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसका नेटवर्क आ रहा है. हाँ, सो शकील भाई, मज़ा आ रहा है तुमको राइड में? सर बहुत अमेजिंग है, सीरियसली ऐसा लग रहा है कि जैसे लद्दाख वाली राइड जो बहुत साल पहले करी थी ना, बट मेरे को लग रहा है वहाँ से ज्यादा टफ है ये, उससे ज्यादा ऑफ राइडिंग है ये, है ना? अच्छा, ये नहीं जंस्कार जो हम करते थे ना चार साल पहले या उससे छह साल पहले, उससे तो फार बेटर होगा भाई, उसके जैसा है तो उस तरह से राइडिंग में जो स्मूथ रोड से हो सकता है, बट ये बहुत कॉम्पिटिटिव है ना, इट्स फन. लिटरली मजा आ गया, झटके दे देगी यहाँ पे राइट में. हाँ, वी स्टे ओवर हियर, यहाँ पे रुके हैं एंड यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मेनली चाय एंड दिस इज द लैंडस्केप ओवर हियर, इट्स अ वंडरफुल. अगर यहाँ पे रात बितालोगे तो मज़ा आ जाएगा. भैया रात में कितनी ठंड जाती होगी यहाँ पे? भैया रात में ठंड कितनी होती होगी यहाँ पे? अच्छे वाला होती है. वी रीच टू सिंगला पास, एल्टीट्यूड 16,590 फीट अबव सी लेवल. और जिन्होंने पहले कवर करा है वो ये हैं, फिर ये है, फिर ये पीछे हम बहुत आराम आराम से चल रहे थे. वो यहाँ से तो अमेजिंग लगता है यार. सो अभी रोड का थोड़ा सा ठीक है सेक्शन,
इतनी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है, पर इतनी ज़्यादा कहूँगा कि इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी नहीं है रोड पे, ठीक है, क्योंकि एक दो गाड़ियाँ आने से और थोड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़ा शायद ठीक सा चल रहा है, तो रोड ओके हो चुकी है यहाँ पे, बट डस्ट आपको अभी भी रोड के ऊपर मिलेगी यहाँ पे थोड़ी सी एंड, बट ओके है फिलहाल तो, क्योंकि ज़्यादा स्टीप भी नहीं आ रहा, ना इंक्लाइन है ना डिक्लाइन है ज़्यादा, तो प्लेन है एक तरह से, पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं अभी हम, तो आगे चल के जो पहाड़ आएगा फिर हम शायद इस पहाड़ को क्रॉस करके जाएंगे, तो शायद हमको इंक्लाइन थोड़ा सा हो, तो होप कि वो रोड थोड़ा सा ठीक हो, इतनी ज़्यादा यू नो आपने यहाँ पे डस्ट ना मिले, या जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा मिलती है इस रोड्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले पहाड़ हैं यहाँ पे, एंड अभी दूर में बर्फ़ दिख रही है, तो आई होप कि आगे चल के स्नो मिल सकती है, बट लेट्स सी आगे चल के क्या होता है, और कौन सा पास हम अभी देख मिलता है हमको फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे दो पास पड़ेंगे हमारे रास्ते में, सिंगला और सिसला पास, तो लेट्स सी कौन सा पास पहले आता है हमारा, तो ये पहाड़ पूरा वाइट स्नो से भरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ठंड फील होती है बट प्योर वाइट स्नो है यहाँ पे, और बिल्कुल दूर तक तो देखोगे बिल्कुल आपको सुनसान कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, बस आपको बीआरओ के वर्कर्स, बीआरओ की टीम और उनके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मिलेंगे, लोकल्स होते हैं जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन में अराउंड दिन रात मतलब काम कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये रोड भी कंप्लीट होगी विद इन 1 और 2 ईयर्स में, तब ये ऐसा ऑफ राइडिंग वाला मज़ा लोगों को नहीं मिलेगा डेफिनेटली, बट येस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द विलेजेस इट रियली हेल्प टू इन लो यहाँ के लोगों को आगे ग्रो करने के लिए और अपना लिविंग को अच्छे से यू नो स्पेंड करने के लिए। अब ये रोड ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है मेरे को, रीज़न क्योंकि इस टाइम पूरी रेत ही रेत है पहाड़ों में, और स्पेशली जब ये अब ये टर्न्स आ रहे हैं इसके अंदर यू नो हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं, तो उसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि रेत के अंदर बाइक स्लिप भी हो रही है, और मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट अब इस टाइम लग रहा है मेरे को, एंड बट उतने ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ऐसे में यू नो राइड करना, तो जिसको बोलेंगे तो ऑफ राइडिंग, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है, बट इस टाइम क्या हो रहा है, मेरी जो लैग ब्रेक है ना वो ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रही है मेरी, मतलब मैं टोटली डिपेंड हूँ बाइक के वेट के ऊपर और जो मेरी स्पीड है एंड जो मेरा डिस्क ब्रेक जो हैंड ब्रेक है वो मेरी कितना काम कर रही है, लेग ब्रेक में पूरा खड़ा भी हो रहा हूँ ना तो वो बिल्कुल ज़ीरो लग रही है, द रीज़न उसका भी ये भी है क्योंकि जब हम अभी बिल्कुल जा रहे हैं डाउनवर्ड्स, तो उसमें जो ऑयल प्रेशर है वो मेरा आगे की तरफ मूव कर रहा है पीछे, तो उसके कारण जो जो प्रेशर होता है ना मास्टर सिलेंडर वाला वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण ब्रेक नहीं लग रही है, और ये इशू मेरी बाइक में नहीं है, मतलब मेरे साथ आगे दिव्य भाई भी चल रहे हैं उनके साथ भी यही आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी कम्युनिकेटर में बात करी थी उनसे, तो ही ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू, एंड पीछे भी मैं थोड़ी देर पहले शकील परिचय से भी बात करी, तो ही इज़ ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू, मतलब मोस्टली डिस्क ब्रेक, बाइक का वेट और आपकी स्पीड, ये तीन चीज़ों पे ही पूरा बाइक अभी यू नो हम मैनेज कर रहे हैं अपना डाउन जाने में। अब ये जैसे अब ये हेयर पिन आया टर्न, और ये बिल्कुल डाउन है और इसमें रेत काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो इसके अंदर, इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट, और रोड ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मतलब ये होगी मेरे ख्याल से 7 फीट और 8 फीट की इसकी चौड़ाई है पूरी रोड की, तो इट्स रियली अ चैलेंजिंग पार्ट, जो लोग इसको क्रॉस करके गए हैं आर रियली सल्यूट टू देम, और हम इसको कर ही रहे हैं, तो आई कैन फील इट कि यस कि इट इज़ नॉट एन ईजी चैलेंज और कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी, राइड करना यहाँ पे इट्स रियली चैलेंज, बट सबसे बड़ा चैलेंज आई फील जो हमारे साथ गाड़ी हमारे साथ जो कार है मेरे फ्रेंड की, एंड ही इज़ ऑल्सो फेसिंग सम चैलेंजेस, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, और एकदम तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने बिल्कुल स्टीप है और हमें कुछ दिख नहीं रहा है, एंड बट फिर भी हम बाइक में हैं तो वी कैन मैनेज इजली, बट इन अ नो फोर व्हीलर इट रियली बिकम डिफिकल्ट इन सच काइंड ऑफ टेरेंस, जबकि उसकी 2x4x4 नहीं है, बट ये वो भी अच्छी है, पीछे परिचय मुझे दिखी गया है, तो वो भी मेरे साथ नो साथ साथ ही चल रहे हैं, हम ज़्यादा स्पीड में नहीं है क्योंकि इस टाइम हमारी स्पीड है 20 और 25 के अराउंड मैनेज हो पा रही है स्पीड हमारी, और ये जो डाउन जाता है ना तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा मुझे डर लगने लग जाता है कहीं बाइक स्लिप ना हो जाए, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली उस टाइम पर जाएगा, बट बाइक में यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ होता है ना, बाइक का कुछ टूट जाता है लिवर विवर, दैन रियली अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं मिलने वाला है, बट लेट्स होप सो, लेट्स राइड इट एंड एन्जॉय द
beauty of nature in such a majestic terrains over here. ये पहला वाटर क्रॉसिंग आया हमारे रास्ते के ऊपर, तो मैंने कहा चलो दीपा भाई पहले आप निकलो एंड देखते हैं अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो मैं फिर पीछे पीछे जाता हूँ। तो अब परिचय निकलता है, क्योंकि परिचय का थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, तो लेट इट पास तो तक वो आराम से निकल जाए एंड उसके बाद अब मैं क्रॉस करता हूँ वाटर क्रॉसिंग को। शकील को देख रहा हूँ बट शकील अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, अभी विजिबल नहीं है, तो चलो मैं क्रॉस कर लेता हूँ ताकि हम तीनों आगे खड़े हो जाएंगे। और मैं देख सकता हूँ आगे से एक BRO का ट्रक आ रहा है यहाँ पे, सो चलो साइड में कर लेते हैं हम। बट इस जगह पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि यू नो बाइक भी आराम से पास हो सके, BRO के ट्रक भी पास हो सके, हम दोनों ट्रांसफर, बट सम हाउ वी मैनेज इट। सो BRO का ट्रक थोड़ा सा यू नो काफ़ी ज़्यादा अपना कॉर्नर में आ गया है, सो दैट उसने हमको पास देने का रास्ता बना लिया है ऑलरेडी। सो अब ये दीपा भाई निकलते हैं इनके पीछे पीछे, परिचय निकल के अब मैं भी पीछे कर लेता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी ऊपर फंसा दी थी बाइक मैंने, ताकि रास्ता क्लियर हो गया। BRO री हैड्स ऑफ टू BRO टीम, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप निकल जाओ पहले, तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से फटाफट से और आगे देखते हैं परिचय शकील कहाँ पहुँच पाता है। इस रोड को देख के तो मुझे स्पीति की याद आ गई कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे यू नो कर्व्ड छोटे पहाड़ हैं जहाँ से हम निकलते हैं, बट ये उससे ज़्यादा बेकार रास्ता है, बहुत ही ऑफ राइडिंग है उस स्पीति वाले रास्ते से। मतलब ऑल टुगेदर दिस इज़ द बैडेस्ट ऑफ लद्दाख एंड स्पीति रूट, नॉट श्योर अबाउट द सर्च पास, लेट्स सी आगे। यहाँ हो रहा है कंस्ट्रक्शन और JCB हमारे सामने खड़ा हुआ है बिल्कुल, तो अब देखते हैं रास्ता हमको थोड़ा सा एक कर दे तो हम साइड से निकल जाए, पर मेन टेंशन अपनी गाड़ी की है जो पीछे काफ़ी दूर है चुकी है हमसे, एंड क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट हो चुका है तो आई एम नॉट श्योर कि अपनी गाड़ी कैसे निकल पाएगी, अपना फ्रेंड कैसे ले कर पाएगा आगे, बट कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही जाएगा डेफिनेटली। ये JCB अपने कहीं ना कहीं साइड में लगी जाएंगे जो पीछे स्पेस था वहाँ पे लग के, देन अपनी गाड़ी आगे हम लेकर आ सकते हैं। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है गाड़ी को आने दे, पर एटलीस्ट पहले तो हम यहाँ से निकलते हैं और आगे किसी खुली मैदान या जगह में गाड़ी का वेट करते हैं। ये रास्ता तो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया क्योंकि पूरी खुदाई हो रखी है, तो मतलब बाइक निकलने के लिए बहुत कम स्पेस है, और मुझे आई एम यू नो रियली रियली वरिड अबाउट दैट कि अपनी जो कार है वो एक पूरी SUV है और बिग SUV, सो बिग SUV काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो आई एम नॉट श्योर कैसे निकल पाएगी, कैसे अपना जो फ्रेंड है वो मैनेज कर पाएगा कार को निकलने को। तो हमने ये डिसाइड करते हैं अभी कि आगे चल के वेट करते हैं कार का एंड फिर साथ ही आगे वहाँ से कहीं ना कहीं खुले मैदान से आगे मूव करेंगे। अब जो ये जो रास्ता है ना, दिस इज़ रियली रियली अ टफ चैलेंज, क्योंकि एकदम से स्टीप आ जाता था और एकदम से चढ़ाई जा रही है इसके अंदर, और यू नो एक बार पत्थर इतने सारे हैं कि रियली मैं मोस्टली अंदर की तरफ ही चला रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्लेन है, बीच में भी पत्थर हैं और साइड में प्लेन है, तो बिल्कुल राइट में चलाना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है क्योंकि अगर स्लिप हुआ तो सीधा राइट हैंड साइड पे स्लिप मारेगा पूरा का पूरा नीचे, और अगर मैं लेफ्ट में भी थोड़ा सा भी गिरता भी हूँ तो एटलीस्ट मैं पहाड़ से चिपक जाऊँगा, मतलब इतने ज़्यादा मुझे चोट या मेरी बाइक को चोट नहीं लगेगी। सो अभी फटाफट यहाँ से ये रूट कवर अप करते हैं एंड आगे वेट करता हूँ अपनी कार का एंड फिर देखते हैं। बट अभी भी शाम हो चुकी है मोस्टली एंड अराउंड 5 o'clock हो रहा है इस टाइम पे, तो पदम तो मुझे लगता है अभी भी काफ़ी दूर है यहाँ से, तो अभी बोला है पीछे इंजीनियर ने कि ये अराउंड कुछ ही किलोमीटर की ऐसी रोड है, उसके बाद काफ़ी स्मूथ रोड हो जाएगी, सो लेट्स सी कितनी स्मूथ रोड आती है, क्योंकि अब तो हमको इसकी आदत पड़ चुकी है एक तरह से कि जब तक ये रोड चल रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है, अब ऑफ राइडिंग ऐसा लगता है कि अपना ही पार्ट है एक। सो अब शाम के 6 बज चुके हैं और पदुम अभी भी स्टिल 50 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, रूट बहुत ही ख़राब थी तो हमारी स्पीड थी वो 30 से ऊपर तो जा ही नहीं पा रही है एंड अभी वी आर नो वेयर इन द माउंटेन्स, सो वी जस्ट ऑर्डर सम स्नैक्स बोलूँगा तो कॉफ़ी ऑर्डर करिए और अभी चेक करते हैं फिर खाने को क्या क्या मिल सकता है, अब वो करते हैं क्योंकि लंच भी आप हमने नहीं कराए,
बस मॉर्निंग में जो हमने ब्रेकफास्ट करा था एंड उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया था, मैगी खाई थी उसमें एक एक एंड उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अभी देखता हूँ यहाँ पे क्या मिलता है और यहाँ पे फिर हम यहाँ से खाते हैं और आगे निकलते हैं। एंड द बैड पॉइंट इज़ पीछे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। आई एम नॉट श्योर जो हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही है वो कब तक पहुँच पाएगी आगे। सो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और फाइनली यहाँ से अभी कितना 2 या 4 किलोमीटर रह गया पदुम, जो पदुम में स्टार्टिंग से पहले मिल जाता है एंड नियर दिस विलेज। इसके ये है कॉमिक विलेज, तो कॉमिक विलेज के पास ही पेट्रोल पंप है। सो जो लोग लोमा यूरू से आते हैं वहाँ से वही 20 किलोमीटर आगे जाके पेट्रोल भरवा के आप यहाँ पे दोबारा से रिफिल कर सकते हो पेट्रोल पंप पे। बट यहाँ का यू नो द व्यू वो देखते बनता है पूरा बिल्कुल ऐसी लोकेशन। आपका सरचू वाली रोड भी ऐसी ही है, बिल्कुल टारमेक है एंड बोथ साइड में यू नो पहाड़ी पहाड़, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल एक साइड बिल्कुल ये आपको दिखेंगे ग्रीनिश पहाड़ विदाउट एनी ट्रीज और दूसरी साइड भी सेम काइंड के पहाड़ी दिखेंगे आपको। बट आप थोड़ा सा और दूर नज़र मारेंगे, लेट मी जूम फॉर यू सो दे कैन सी द आइस कैप। सुबह देर यहाँ से फटाफट से पदुम निकलते हैं और कहाँ चल रहा था, तो हालत बहुत ही खराब थी। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट क्योंकि आप मेरा देख सकते हैं पूरा चोखा बगड़ डाला है पूरा यहाँ पे। तो अब यहाँ से निकलते हैं पदुम में, वहीं पे देखते हैं क्या स्टे करते हैं। पहले तो सोचा था कि टेंट वेंट लगाएंगे आराम से कैंपिंग करेंगे, बट ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ से निकलते हैं छू ओके।